हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में रिएक्ट करने वाला हूं मैं। कल जो जलसा हुआ था, कुछ पावर शो टाइप का जलसा हुआ था इमरान खान पीटीआई की तरफ से, तो उस जलसे में तो उसमें इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, बहुत ही ज़्यादा पब्लिक। सो इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड एक वीडियो देखने वाले हैं। इमरान खान की स्पीच, दे वॉन्ट इमरान खान टू नी डाउन, घुटने टेकने पर मजबूर करना, कुछ इस टाइप से। मतलब जो अपोजिशन है उनकी या फिर उनके खिलाफ जो लोग हैं वो ऐसा चाहते हैं कि इमरान खान घुटने टेक दें या फिर रिज़ाइन दे दें। तो सुनते हैं इमरान खान क्या स्पीच देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। और ये सारा ड्रामा हो रहा है कि किसी तरह जनरल मुशर्रफ की तरह इमरान खान घुटने टेक के इन सबको एनआरओ दे दे। ये सारा ड्रामा है। पहले दिन से ब्लैकमेल करने की कोशिश है। जब मौका मिलता है हुकूमत को गिराने की सिर्फ एक वजह से कोशिश करते हैं। ओ भाई साहब, कि जनाब पब्लिक देखिए, हम कोई खास अल्लाह के मखलूक हैं, हम चोरी करें डाका मारें, इनको कोई खास ऐसी मखलूक है कि इनको सब कुछ माफ हो जाना चाहिए। और जनरल मुशर्रफ ने जो इस कौम पे जुल्म किया, इनके प्रेशर में आके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए उसने इस मुल्क के ऊपर जो जुर्म किया, इन चोरों को एनआरओ दिया, उसकी वजह से लूट मार हुई 10 साल। आज जो हम अच्छा उन्होंने भी ये कर दिया था जो आज इमरान खान के साथ करना चाह रहे हैं, हम जो इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जो हम बोझ उठा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जनरल मुशर्रफ ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए इनको एनआरओ दिया। तो ये तैयार हो जाए नौजवानों, कितनी पब्लिक है। इमरान खान जो मर्जी ये कर ले, हुकूमत जाती है जाए, ओहो, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। जान जाती है जाए, माफ नहीं करूंगा भाई। ये सही बोल दिया भाई, देखने वालों में से नहीं है। अपोजिशन की टांगे कांप रही होंगी। अब जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में कानून की बालादस्ती कायम की थी, सुनो मेरे नौजवानों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला उनका मुकाम किधर, उनका मुकाम हमारे दिलों में, हमारे दीन में, हमारी तारीख में। वो खलीफा वक्त होते हैं और एक यहूदी का यहूदी के साथ केस लगता है अदालत में, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अदालत में उस यहूदी के खिलाफ केस हार जाते हैं। खलीफा वक्त केस हारता है क्योंकि काजी उनके बेटे की गवाही नहीं मानता। अब इससे क्या चीज सामने आती है, सबसे पहले कि खलीफा वक्त भी कानून के ऊपर नहीं होता। मुसलमानों का जो इंसाफ का निजाम था, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और एक अकलियत माइनॉरिटी, उसको भी बराबर का शहरी। नौजवानों ये तैयार हो जाओ, पहली दफा पाकिस्तान में तनख्वाहदार लोगों के लिए जिनके पास कभी भी पैसा नहीं था अपना घर खरीदने के लिए, हमने पहली दफा पाकिस्तान के बैंकों के साथ मिलके 30 अरब रुपया उनको सब्सिडी दी। आज पहली दफा बैंक कर्जे दे रहे हैं छोटे लोगों को, जो तनख्वाहदार लोग थे, जो बेचारे किराए के घरों में रहते थे, हमने बैंकों को पैसा दिया। पब्लिक यार बहुत पहुंची है, दे रहे हैं। मैंने एक जो आदमी या जो कितनी पब्लिक आई किराए के घर में रहता था, अब उसी किराए पे वो बैंक को किससे देगा और वो घर उसका अपना हो जाएगा, अपनी छत होगी। ये सही स्कीम है। रोटी कपड़ा मकान का किसका नारा था, और मेरे अल्लाह का शुक्र है कि वो काम किससे ले रहा है।
पुरानी गवर्नमेंट का होगा नारा। तैयार हो जाओ, ये कहते हैं ना कि इस गवर्नमेंट ने किया कुछ नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, मुझे चैलेंज हो मैं इनको करता हूं। क्या आप बताएं कि आपने मुल्क के पानी, जो बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है मुल्क का, शहरों के अंदर पानी नहीं है, लाहौर के अंदर पानी नीचे चला गया, कराची में टैंकर माफिया है, आज पिंडी में पानी कम है, क्या किया इन्होंने? मैं बताता हूं हमने क्या किया। पहली दफा 50 साल के बाद पाकिस्तान में बड़ी डैम्स बन रही हैं। ये किसी और स्पीच में भी मैंने सुना था। 50 साल के बाद मेरे पाकिस्तानियों, हमने डैम्स बनाई हैं, और इंशाल्लाह पेशावर के लोगों को तो भी मैं खुशखबरी देता हूं कि 2025 में ममन डैम बनेगी, और ममन डैम से सारे पेशावर को पानी भी मिलेगा, बड़ा इलाका ज़राअत के लिए, किसानों के लिए ज़राअत में फसलें उगाने के लिए आ जाएगा, और बिजली भी बनेगी, और सबसे सस्ती बिजली बनेगी। उसके बाद बड़ी डैम दासू डैम बनेगी 2027 में, और नौजवानों खुशखबरी ये है कि 2028 में जो पाकिस्तान नहीं दुनिया के अंदर बड़ी डैम समझी जाती है वो बादशाह डैम बनेगी 2028 में, टाइम पे चल रही है बादशाह डैम। इससे क्या होगा? इससे मेरे पाकिस्तानियों, हमारे पास दुगना पानी हो जाएगा रिजर्व्स में, हमारा पानी जो हमारी डैमों में दुगना होगा, इसका मतलब काश के लिए हमारे पास पानी दुगना हो जाएगा, इसका मतलब शहरों में हम पानी दे सकेंगे। ये जो पानी के मसले आ रहे हैं आगे, इससे इंशाल्लाह पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा। बता रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है, मतलब इनकी गवर्नमेंट ने उन लोगों को जो उंगलियां उठा रहे हैं। अच्छा, अब जरा भी मैं आपने असल जो मैं आखिर में बात कर रही है उसकी आपको इंतजार करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ ये जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने किया क्या है, तो मैं आज अपनी कौम को बताऊं हमने किया क्या है। मैं अपने मीडिया के लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप शाम को अपने टीवी शोज करते हैं, मैं एंकर्स को कहता हूं, खुदा के वास्ते कोई मायशत के माहिरों को बुला लें और उनको बैठ के कम से कम मुआजना करें कि पहले मुल्क से क्या होता था और हमने 3.5 साल में मुल्क के लिए क्या किया है। ये बहुत सही है यार, ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से कोई बोलता नहीं है कि एक्सपर्ट्स को बुलाओ उस फील्ड के जिसमें ये काम हुआ चुका है, एक घंटे का काम नहीं किया, उनसे एनालिसिस चेक करो उनके कि आखिर काम हुआ है या नहीं हुआ है, वो बताएंगे पब्लिक को। सही है, फुल कॉन्फिडेंस। 14 साल में उर्दू ही नहीं बोलनी आई, मैं लीडर बनना चाहता हूँ। काम पे टांग रही है, थोड़ा बड़ा होने देना था लीडर बनाने से पहले। फिर से रिवर्स कर दिया इमरान खान ने। अच्छा, वो कहता है बिलावल कि मुझे अगर तुमने ये कुछ, हर रोज धमकियां देता है, अगर नैब ने मुझे बुलाया तो मैं ये कर दूंगा। भाई बिलावल क्या करोगे? मैं रो पड़ूंगा। अच्छा जी, अब सुने, पहली दफा इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान में एक नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इस्लामाबाद के बाद पहली दफा शहर बन रहे, क्यों बना रहे हम शहर? हम इसलिए बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए, रावी को बचाने के लिए। रावी एक गंदा नाला बन चुका है, ये जो शहर है ये मॉडर्न सिटी बन रहा है, ये ऊपर जाएगा, इसके ऊपर 2 करोड़ दरख्त लगाएंगे,
ताकि पोल्यूशन का मुकाबला करे वो शहर। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनेंगे ताकि बजाय सारा सूरज का पानी रावी में जाए और वो नीचे सिंध तक जाए, हम ट्रीट करके साफ पानी दरिया में करें, दरिया को रिवाइव करें, ऊपर बैराज बनाएं ताकि लाहौर की वाटर टेबल ऊपर आए। और फिर से मैंने कहा जब 2 करोड़ दख लगेंगे तो आबो हवा साफ होगी, पोल्यूशन कम होगी। तो ये पहली दफा इस्लामाबाद के बाद दूसरा शहर बन रहा है, मेगा प्रोजेक्ट है। ओके। फिर हमने लाहौर का वॉल्टन एयरपोर्ट था उसको चेंज करके सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाया। ये आप देखेंगे कि दुबई की तरह लोग तो दुबई जाते हैं ना, अब वो लाहौर के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाया करेंगे। एक मॉडर्न पूरा एक शहर के अंदर एक मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट बनेगी घूमने के लिए और काम करने के लिए। शेख रशीद साहब आपके लिए खुशखबरी, नाला लई प्रोजेक्ट बन रहा है, को तब्दील करने के लिए, उसको एक मॉडर्न शहर बनाने के लिए। नाला लई जो है उसका भी ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, साफ पानी करेंगे, उसके साथ एक हाई राइजेस बनेंगी, एक मॉडर्न, बजाय के शहर फैलते जाएं, जरई जमीन खत्म होती जाए, शहरों को अब हम रोकेंगे। मास्टर प्लान बना रहे हैं सारे पेशावर के, सारे बड़े शहरों के, इनको ऊपर लेके जाएंगे। अच्छा। ज़राअत की जमीन बचाएंगे, जमीन और इनके सारी सीवरेज सिस्टम एक ही जमीन के ऊपर की तरफ डेवलपमेंट होगा। ये सारी हम इंशाल्लाह शहरों को मास्टर प्लान बना के लेके आ रहे हैं। ये कभी किसी गवर्नमेंट ने 30 सालों ये हुकूमत करते रहे, किसी ने कभी इस तरह का काम नहीं किया। फुल कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो काम हमने किए हैं वो एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को जिसमें हमने काम किए, जैसे कि डेवलपमेंट, ब्रिजेस, डैम्स या फिर जो भी जिस टाइप के भी इन्होंने डेवलपमेंट किए हैं इनकी गवर्नमेंट ने, उन उससे रिलेटेड फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाएं, न्यूज़ चैनल्स पर बिठाएं उनको और उनसे पूछें, पूछताछ करें कि बताइए डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, एक्सपर्ट्स से पूछें, ना कि किसी और के कहने पर कि नहीं किया इन्होंने या कुछ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत सही लगा। ऐसा हर कोई बोलता नहीं है कि उनको बुला लें और ऐसा कर लें वैसा कर लें, और ऐसा हो भी सकता है, कोई भी बुलाकर उनसे पूछ भी सकता है तो वो बता भी सकते हैं। सो पहली चीज़ ये कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बोली, बहुत सही लगी। दूसरी बात कि गवर्नमेंट रहे ना रहे, मैं ज़िंदा रहूं या फिर मुझे मार दिया जाए, ऐसा कुछ बोला था इन्होंने, लेकिन झुकने वाला नहीं उनके सामने, उनसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, उनके सामने झुकूंगा नहीं, रिज़ाइन नहीं करूंगा, ये सब चीज़ें इन्होंने बोली हैं। तो ये लाजवाब चीज़ लगी मुझे यार, कॉन्फिडेंस है उन्हें कि मैंने कुछ किया है, और पब्लिक भी उनके साथ दिख रही है यार, इतनी आवाम, इतनी पब्लिक देखकर मैं भी हैरान हूँ। बहुत पब्लिक थी, बहुत तगड़ी वाली पब्लिक थी, पब्लिक पूरा पूरा, मतलब जब इतनी पब्लिक है उनके साथ, जो ग्राउंड था वहाँ पर जहाँ पर ये जलसा किया था उन्होंने, अम्र बिल मारूफ करके नाम रखा था जलसे का, तो इतनी जब पब्लिक पहुंच रही है तो साफ साफ दिख रहा है यार सबको कि कौन किसके साथ है और किसके साथ नहीं है और क्यों नहीं है। भाई डेवलपमेंट जिसको मिलेगा, जिसको काम मिलेगा, जिसको सही रास्ता मिलेगा, वो उसके साथ भागेगा, उसके साथ जाएगा। एक और लास्ट में उन्होंने अपने काम गिनाए कि फ्यूचर डेवलपमेंट्स क्या हैं। बहुत सही लगा कि 2 करोड़ प्लांट्स लगाएंगे, उसके अलावा ज़मीन को बचाने के लिए, ज़मीन में मतलब सब घिर जाएगी ज़मीन, तो खेती बाड़ी या फिर पेड़ पौधे कहाँ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, नेचर को नुकसान होगा। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि एक ही शहर जितने एरिया में वो बन चुका है उसके ऊपर डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर तरक्की होगी, वैसा को जिनका प्लान है। सो ये भी प्लान्स तो अच्छे हैं इनके, इन फ्यूचर आप बताइए कि क्या लगता है आपको, कितना डेवलपमेंट हुआ है इनकी गवर्नमेंट में, क्या किस चीज़ से आप खुश हैं, और आगे आपको क्या लगता है ये कुछ कर पाएंगे, ये जो बोल रहे हैं सारा कुछ। मुझे जो चीज़ें इनकी बहुत सही लगी वो मैंने यहाँ पर बोलनी, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।